मैथिली शरण गुप्त, जन्म सन 1885 ईस्वी में, मृत्यु सन 1964 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त गढ़ी बोली कविता के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं द्वारा एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया और इस तरह ब्रजभाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का यह सबसे बड़ा योगदान है। गुप्त जी अपने संस्कारों और विवेक से संपूर्णतः एक वैष्णव व्यक्ति हैं। इसका प्रभाव उनकी संपूर्ण काव्य रचनाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण है, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथवध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनके रचना का सर्वोच्च शिखर है। कविता सार। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त भारतीय समाज के अधोपतन को देखकर दुखी होते हैं और कहते हैं कि इतने उज्जवल अतीत के बावजूद इतनी प्राकृतिक संपदा, ऐसी भूमि जहाँ के निवासी आर्य रहे, जिनके विद्या, कला, कौशल और आचार्यत्व को सभी मानते हैं, आज उनकी संतान कैसी अधोगति को पहुंच गए हैं। वे कहते हैं कि आर्य कभी अपने लिए नहीं जीते थे, परोपकार करते थे, उन्हीं का प्रकाश सब और संसार में फैला। वे स्वाधीन थे, धर्मानुगामी थे, वे सब आज की स्थिति में पहुंच गए हैं। वे कहते हैं कि इन समस्याओं पर हमें मिलकर विचार करना चाहिए। आर्य, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है घड़े। वे आर्य ही दे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वातरद हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे, वे मेंदिनी तल में सुकृति के बीच बोते दे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रविद होते दे सदा, संसार के उपहार हित जब जन्म लेते दे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी, फैला यही से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही दी जग रही जो ज्योति अब संसार में, वे मोह बंधन मुक्त दे, स्वच्छंद दे, स्वाधीन दे, संपूर्ण सुख संयुक्त दे, वे शांति शिखिरासीन दे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन दे, विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन दे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म सन 1897 ईस्वी में, मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी में। जन्म बंगाल में महिषादल में हुआ। बचपन का नाम सूर्य कुमार था। स्कूली शिक्षा नहीं के बराबर हुई। महिषादल के राजघरानों में रहकर वे बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी के अध्ययन के साथ ही साथ संगीत और कुश्ती लड़ने का अभ्यास भी किया करते थे। 14 वर्ष की आयु में मनोहरा देवी से विवाह हुआ। पत्नी की प्रेरणा से ही वे हिंदी की ओर आकृष्ट हुए। निराला का सारा सामाजिक जीवन सांसारिक दृष्टि से असफल, विश्रृंखल, अतिशय अव्यवहारिक और कष्टपूर्ण रहा, जिसका अंत अंततः आत्मविक्षेप में हुआ। निराला परंपरावादी उत्कृष्ट छायावादी कवि होने के साथ ही साथ अपने मुक्त छंद तथा बादल राग और नए पत्ते की कविताओं के साथ एक क्रांतिकारी कवि के रूप में भी हमारे सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने अनेक रंग की कविताएं लिखी।
इसके अतिरिक्त उपन्यास, कहानियाँ और प्रचुर मात्रा में आलोचनात्मक निबंध भी लिखे। परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, गीत गुंज और अर्चना उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं, तथा बिल्लेसुर बकरिहा और कुल्ली भाट हिंदी गद्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रयोगशील रचनाएं हैं। उनका अंतिम संग्रह सांथी काकली है, जो उनकी मृत्यु के 8 वर्ष के बाद प्रकाशित हुई थी। कविता सार, इस कविता में निराला जी ने नींद में डूबे समाज को जगाने का आह्वान किया है। वे कहते हैं कि तारे तुम्हें जगाते हुए हार कर चले गए, अब सुबह आ गई जगाने। तुम्हारी भांवरों सी आंखें सपनों की कौन सी मीठी गलियों में घोई हुई चुपचाप शहद पी रही हैं, जागो। दिन बीत रहा है, सूर्य अस्त होने चला है, चंद्रमा की चांदनी झा रही है, रात की गंदा जाग रही है, जागो। कवि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इसी प्रकार रात के बाद फिर दिन आ जाता है, लेकिन तुम सोए पड़े हो, जागो, जागो फिर एक बार। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंग तरुण किरण खड़ी घोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधु मौन, अधवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। अस्ताचल चले रवि शशि झवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंदा जगी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय आशाओं भरी, मौन भाषा बहु भावमयी, खेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल चुके हुए आया कलियों में मधुर, मधुर यवन उभार, जागो फिर एक बार। पीरव पपीहे प्रिय बोल रहे सेज पर विरह विदग्धावतु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूद रही पलकें चारु नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा बार, जागो फिर एक बार। सहृदय समीर जैसी पोंछों पे नयन नीर, शयन शिदिल बाहें फर स्वप्निल आवेश में, अतुर उर्वसन मुक्त कर दो सब सुप्ति सुखोन्माद हो, छूट छूट आलस फैल जाने दो पीड़ पर, कल्पना से कोमल रिज कुडिल प्रसार कामिगेश गुच्छ, तन मन धक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन में मन जी जी में, एक अनुभव बहता रहे अभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। उगे अरुणाचल में रवि आई भारती रति कवि कंड में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। उगे अरुणाचल में रवि आई भारती रदि कवि कंड में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। महादेवी वर्मा, जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में, मृत्यु सन 1988 ईस्वी में। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी। बचपन से ही माँ के सात्विक स्वभाव और हिंदी के भक्त कवियों की रचनाओं और भगवान बुद्ध के चरित्र ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया। उनके गीतों में प्रवाहित करुणा के आनंद स्रोत को इसी कोण से समझा जा सकता है। वेदना और करुणा उनके गीतों की मुख्य प्रवृत्ति है। असीम दुख भाव में से ही उनकी गीतों का उदय और अंत दोनों होता है। उन्होंने सन 1933 ईस्वी में संस्कृत विषय लेकर एमए की परीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। काव्य रचना के अलावा समाज सेवा भी उनके जीवन का एक अंग रहा है। महादेवी ने सिर्फ गीत लिखे हैं जो निहार, रश्मि, नीरजा,
शांति गीत और दीपशिखा नामक संग्रहों में प्रकाशित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र नाम से उन्होंने अनूठे रेखा चित्र हिंदी को दिए हैं। उनकी भाषा अत्यंत संश्लिष्ट, भावमयी और गीतिपूर्ण होती है। कविता सार। दुख की मर्मज्ञ महादेवी वर्मा ने अपनी इस कविता में अपने मन और जीवन के अकेलेपन को स्वीकारते हुए कहा है कि उन्हें कोई अपरिचित रास्ता ही स्वीकार है और अपना अकेलापन भी। वे कहती है कि अकेले और अपरिचित मार्ग में हारने थकने वाले पैर और होंगे, उनके नहीं है कि वे अंधेरे मार्ग में भी स्वर्ण वेला बांध देंगी। वे कहती है कि हास्य और खुशी भी अगर उनके पास आए तो वह ऐसी हो जो रोष की भंगिमा को सहन कर ले। उनका स्थिर और अचंचल मन पीड़ा के जल को स्थिर भाव से स्वीकार करेगा और उनका एकाकी मिलन भी अपने विरह में अकेला नहीं है। पंथ होने दो अपरिचित, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, खेर ले छाया अमाबन, आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरागन, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शतविद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगी चरण हारे और है जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, दुख वृद निर्माण उन्मद यह अमृता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मीठे स्वर दूली में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट आओ चिंकारियों का एक मेला, हास का मध दूध बेचो रोष की भ्रूभंगिमा, पदचार को चाहे सहेजो ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शत दल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। हरिवंश राय बच्चन, जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग में, मृत्यु 18 जनवरी 2003। बच्चन छायावादोत्तर काल के नए गीतकारों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण है। खय्याम की रचनाओं का अनुवाद करते हुए उन्होंने मधुशाला नाम की अपनी अमर मौलिक कृति की रचना भी की। इससे उन्हें अपरिमित ख्याति मिली। बच्चन ने कवि सम्मेलनीय परंपरा को अपनी मधुशाला की कविताओं के पाठ द्वारा अत्यंत लोकप्रिय बनाया। भाषा की सरलता, अभिव्यक्ति की सहजता और लोक मुहावरों का प्रयोग उनके गीतों के लोकप्रिय होने के सबसे प्रमुख कारण है। मधुशाला के अतिरिक्त एकांत संगीत, निशान निमंत्रण और प्रणय पत्रिका उनके द्वारा रचित अनूठे गीतों के संकलन है। अपने रचना जीवन के उत्तर काल में बच्चन आज की आधुनिक कविता से बहुत प्रभावित हुए हैं और गीतों की जमीन छोड़कर मुक्त छंद की कविताएं भी लिखने लगे हैं। बच्चन का जीवन अत्यंत कड़ू और संघर्षों का जीवन रहा है। उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 घंटों में लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दसदार से सोपान तक, जो पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशित होकर अत्यंत लोकप्रिय हुई। कविता सार। हरिवंश राय बच्चन की यह ओजपूर्ण कविता एक आह्वान गीत की तरह प्रचलित है। इसमें वे कहते हैं कि वृक्षों से चाह मांगे बिना चलते रहो, रुको मत कभी धको नहीं, न रुको न मुड़ो, यह शब्द लेकर चलते रहो। ऐसे दृश्य की कल्पना करते हुए कवि कहता है कि देखो आंसुओं से, पसीने से और रक्त से लदपद मनुष्य देखो कितने सुंदर ढंग से जा रहा है। अग्निपद। वृक्ष हो भले गड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, 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 तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ,
यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रुस्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अखे। जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में, मृत्यु 4 अप्रैल 1986 ईस्वी में। पिता पंडित हीरानंद वात्स्यायन एक महान पुरातत्वविद और उत्खनक थे। उनके साथ ही अखेय का बचपन भारत के विभिन्न भागों कश्मीर, केरल, मद्रास और उत्तर प्रदेश में बीता। विज्ञान के स्नातक होने के बाद जब आगे पढ़ाई आरंभ की, उसी वक्त चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में शामिल होने के अपराध में गिरफ्तार और कैद हुए। 3 साल बाद जेल से मुक्ति। सन 1933 में अपने प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी की रचना आरंभ की, जो अंततः 1941 और 1943 में क्रमशः 2 भागों में प्रकाशित हुई। अखे आधुनिक कविता के जन्मदाता कहे जाते हैं। अपने द्वारा संपादित प्रथम प्रयोगशील कविताओं के संग्रह तार सप्तक के द्वारा उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन को जन्म दिया। अखे अपनी संपूर्ण मानसिक बनावट में मुख्यतः कवि है। उन्होंने हिंदी कविता को अपनी रचनाओं में एक नई दिशा दी है। भाषा, काव्य वस्तु और काव्य शिल्प सभी स्तरों पर उन्होंने सर्वदा नए प्रयोग किए हैं। हरी घास पर क्षणभर बावरा हेरी, इंद्रधनु रौदे हुए आंगन के पार द्वार, सुनहरे शैवाल और सागर मुद्रा आदि उनके सुप्रसिद्ध काव्य संकलन है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक कहानियां तथा नाटक, रेखाचित्र, आलोचना, उपन्यास और यात्रा विवरण भी लिखे हैं। कविता सार। इस कविता में अखे ने एक साधारण व्यक्ति के जीवन की विडंबना को स्वर दिया है। वह कहते हैं कि मैं अर्थात कोई भी साधारण व्यक्ति एक तनी हुई रस्सी पर दौड़ता रहता है जो 2 घंभों के बीच बंधी हुई है। वह इस तरफ से उस तरफ उस रस्सी को घोलने और ढीला करने के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन लोग उसकी उसी दौड़ को उसका नाच समझ लेते हैं और ना उसकी छटपटाहट को देखते हैं ना थकान को, बस उसका नाच देखते रहते हैं। नाच। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह 2 खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह 1 खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। 2 खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंभे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी में, मृत्यु 23 सितंबर सन 1983 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। शिक्षा दीक्षा बस्ती वाराणसी और इलाहाबाद में हुई। सक्सेना के साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण इलाहाबाद के साहित्यिक परिवेश में हुआ था। परिमल संस्था और उसके सहयोगियों के संपर्क में वे भी लोहिया और उनकी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। 3रा सप्तक के कवि सर्वेश्वर नई कविता के प्रवर्तक कवि हैं। दिनमान पत्रिका से उनका गहन
संबंध था और उसमें चर्चे और चरखे उनका लोकप्रिय स्तंभ था। सर्वेश्वर की काव्य कृतियाँ हैं काठ की घंडिया 1959, बांस का पुल 1963, एक सुनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1969, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976 और खूटियों पर टंगे लोग 1962, कोई मेरे साथ चले 1985। मरणोपरांत प्रकाशित काव्य संग्रह है सोने चौघटे, सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, उनके चर्चित उपन्यास और कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, बदला हुआ कौन, कहानी संग्रह, बकरी सक्सेना का जनप्रिय नाटक है। नई कविता की विकास यात्रा में सक्सेना की अमिट छाप है। उनकी कविताएं समकालीन सामाजिक एवं राजनैतिक यथार्थ से ओतप्रोत है। देश की विसंगतियां और आम आदमी की स्थिति उनकी कविताओं का केंद्रीय विषय है। समय का सत्य कथन उनका कवि कर्म था। इस सत्य कथन के लिए उन्होंने नगर जीवन के साथ ग्राम जीवन को भी समेटा है। सर्वेश्वर ने अपनी कविताओं में स्वतंत्र भारत के वंचित उपेक्षित साधारण जन की पीड़ा तथा संघर्ष को तल्खी के साथ उकेरा है। संप्रेषण की सहजता उनकी कविता का विशेष गुण है। साधारण बोलचाल की भाषा, सार्थक नवीन बिंब प्रयोग, हल्का फुल्का व्यंग्य और विसंगति व विडंबना का निसंक उद्घाटन उनकी शिल्पगत खूबियां हैं। वर्तमान कविता में जिन कवियों ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है उनमें सर्वेश्वर सर्वोपरि है। कविता सार। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने आत्मी और पोस्चर की तुलना करते हुए आज के समय की एक बड़ी विसंगति की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि पोस्चर आज आदमी से बड़ा हो गया है। पोस्चर यहाँ बाजार और प्रदर्शन का प्रतीक है। आज आदमी इन चीज़ों के सामने बौना हो गया है। कवि कहता है कि आने जाने वाले लोग पोस्चर को ही देखते हैं। पोस्चर के नीचे घड़े आदमी को नहीं देखते। पोस्चर को ही पहचान मिलती है। वे बेजान है, उनमें हृदय नहीं है, लेकिन रंग बहुत भटकीला है। उनके पास अपना कुछ नहीं है, वे बस आकार है। लेकिन आज के समय में वे आदमी से बड़े हैं। हर चीज़ उन्हीं के अनुसार होती है। पोस्चर और आदमी। मैं अपने को नन्ना सा दबा हुआ विशालकाय बड़े बड़े पोस्टरों के अनुपात में खड़ा देख रहा हूँ, जिनकी ओर एक भीड़ देखती हुई गुजर रही है। हंसती गाती उछलती कूदती एक तेजी, एक भाग दौड़, एक थक्कम धुक्का, एक होड़ जिनके चारों ओर है, मगर वे चुप है। उन सबके मुख पर एक ही भाव है, उनकी सबकी एक ही मुद्राएं हैं। रंगों से भरे पूरे चटकीले भटकीले सबके आकर्षणों के केंद्र, वे सब एक ही जगह पर खड़े हैं। पोस्टर, विशालकाय पोस्टर, लोग उन्हें देखकर हंसते हैं, मुख बनाते हैं, सीटियां बजाते हैं, उदास हो जाते हैं। औरतें उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं, होठ दबाती हैं, आंखों आंखों में बात करती हैं। बच्चे टाटा करते हैं, खुश होकर चिल्लाते हैं, तोतली बोली में बुलाते हैं। और मैं उनके सामने नन्ना सा दबा हुआ खड़ा हूँ, बेजाना बेपहचाना, इस प्रतीक्षा में कि शायद कभी कोई भूली हुई दृष्टि मुझ पर टिक जाए, शायद कोई मुझे आवाज़ दे, शायद किसी की सुनी निगाह मुझे देखकर शौक हो जाए, शायद कोई मुझे पहचाने, मुझे बुलाए। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को पहचानते हैं। वे आदमी से बड़े सत्य हैं। पोस्चर, जो दूसरे की बात कहते हैं, जिनमें आकर्षण है लेकिन जान नहीं, जो चौराहों पर खड़े रहते हैं, सबकी राह रोकते हैं, सबको टोकते हैं लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जिनमें दिल दिमाग आत्मा कुछ भी नहीं है, महज रंग, गहरा फटकीला रंग है, जिनके हृदय नहीं हैं पर प्यार का संदेश देते हैं, जो एक आकार है, महज आकार, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिनके भाव दूसरे के हैं।
जिनकी मुद्राएं, जिनके हाथ पैर नाक कान आंख मुंह दिल दिमाग सब दूसरों के हैं, जो पोस्टर है महज पोस्टर है, वे आज के युग में आत्मी से अधिक बड़े सत्य है, उन्हें सब पहचानते हैं, वे ही महान है। कुंवर नारायण। आज के साहित्यिक परिदृश्य को दूर तक प्रभावित करने वाले हिंदी के शिखर कवि कुंवर नारायण का जन्म 1927 में फैजाबाद में हुआ। आधी सदी से अधिक समय से लेखन में सक्रिय रहे। कविता के साथ ही लगातार विभिन्न साहित्यिक वैचारिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी महत्वपूर्ण लेखन किया। कई पत्रिकाओं के संपादन और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहे। उनकी अनेक कृतियों के भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, तीसरा सप्तक, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, हाशिए का गवाह, खंडकाव्य, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के अंतर्विषयक संदर्भ, रुख, व्याख्यान, शब्द और देशकाल, साक्षात्कार, तड़पर हूँ पर तड़स्थ नहीं, संचयन कुंवर नारायण संसार, कुंवर नारायण उपस्थिति, चुनी हुई कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं, नो अदर वर्ल्ड, अंग्रेजी अनुवाद और संचयन अपूर्व नारायण। पुरस्कार एवं सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, शलाका सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, रोम का अंतर्राष्ट्रीय प्रेमियो फेरोनिया पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रीय सम्मान पद्मभूषण से अलंकृत साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता 2010। निधन 15 नवंबर 2017। कविता सार। इस कविता में कवि घर की अवधारणा को नई दृष्टि से देखने की कोशिश करता है। वह कहता है कि हम आम तौर पर जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं और उसी को अपनी मंजिल समझते हैं। यात्राओं को उसके सामने कोई महत्व नहीं देते। कवि इस घर के विकल्प के रूप में यात्रा को ही एक संभावना, एक अवसर मानना चाहता है। वह कहता है कि हो सकता है कि जिन लोगों के बीच हम जिस समय हो वही हमारा घर हो। घर पहुंचना। हम सब एक सीधी ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर पहुंचना चाहते। हम सब ट्रेनें बदलने की झंझटों से बचना चाहते। हम सब चाहते एक चरम यात्रा और एक परम धाम। हम सोच लेते कि यात्राएं दुखद है और घर उनसे मुक्ति। सच्चाई यूं भी हो सकती है कि यात्रा एक अवसर हो और घर एक संभावना। ट्रेनें बदलना विचार बदलने की तरह हो और हम जब जहां जिनके बीच हो वही हो घर पहुंचना। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 दुर्ग मध्य प्रदेश में हुआ। शिक्षा सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए। कृतियां शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से कहीं नहीं वही, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, दुख चिट्टी रसा है, कहीं कोई दरवाज़ा, तत्पुरुष, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, खास में दुबका आकाश, आविन्यो जो नहीं है अभी कुछ और, नक्षत्रहीन समय में प्रमुख संग्रहों में है। कविता के अलावा आलोचना की। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर सीढ़ियां शुरू हो गई हैं, कविता का गल्प, कवि कह गया है, कविता के तीन दरवाजे आदि कृतियां प्रकाशित हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में 63 दशक भारत भवन न्यास के सचिव और अध्यक्ष, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, केंद्रीय ललिता कला अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं।
इन दिनों दिल्ली में रजा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी है। संपादन संवेद, पहचान पूर्वग्रह बहुवचन समास, सम्मान एवं पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान के अलावा फ्रेंच सरकार का प्रोफेसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लाइटर्स 2005 और पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान। कविता में अपनी अलग पहचान बनाई, अनेकानेक मताग्रहों अवधारणाओं से कविता को मुक्त कर काव्य में जीवन का सौंदर्य आर्द्रता और इंद्रियता को भर दिया। कविता सार, इस कविता में कवि उम्मीद की एक ऐसी खिड़की की बात करता है जिसे हमें हर हालत में खोले रखना चाहिए। वह कहता है कि मौसम चाहे जो हो, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हो सकता है कोई शुभ कार्य संभव हो जाए, हो सकता है हम किसी की मदद कर सकें, हो सकता है हमें ऐसी कोई लड़ाई लड़नी पड़ जाए जिसमें सब कुछ दांव पर लग जाए, इसीलिए यह ज़रूरी है कि हमें उम्मीद रहे। एक खिड़की। मौसम बदले न बदले, हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए। शायद कोई गृहिणी वसंती रेशम में लिपटी उस वृक्ष के नीचे किसी अख्यात देवता के लिए छोड़ गई हो फूल अक्षत और मधुरिमा। हो सकता है किसी बच्चे की गेंद बजाय आनंद में घोने के हमारे कमरे में अंदर आ गिरे और उसे लौटाई जा सके। देवासुर संग्राम से लहू लुहान कोई बूढ़ा शब्द शायद बाहर की ठंड से ठिठुरता किसी कविता की हल्की आंच में कुछ देर आराम करके रुकना चाहे। हम अपने समय की हारी होड़ लगाएं और दांव पर लगा दें अपनी हिम्मत चाहत सब कुछ, पर एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए ताकि हारने और गिरने के पहले हम अंधेरे में अपने अंतिम अस्त्र की तरह फेंक सकें चमकती हुई अपनी फिर भी बची रह गई प्रार्थना। ओम प्रकाश वात्मीकि। दलित साहित्य को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित करने में ओम प्रकाश वात्मीकि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। ओम प्रकाश वात्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को ग्राम बरला जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। आपने एमए तक शिक्षा ली। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक सामाजिक और मानसिक कष्ट व उत्पीड़न झेलने पड़े। वाल्मीकि जी जब कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे तो वहाँ दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे आपकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन आया। आप देहरादून में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के पद से पदमुक्त हुए। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वात्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने अपने लेखन में जाति अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है और भारतीय समाज के कई अनछुए पहलुओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। आपकी भाषा सहज तद्यपूर्ण और आवेगमयी है जिसमें व्यंग्य का गहरा पुट भी दिखता है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी आपकी रुचि थी। अपनी आत्मकथा जूठन के कारण आपको हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और 1995 में परिवेश सम्मान साहित्य भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। ओम प्रकाश वात्मीकि की प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, सलाम तथा आत्मगदा जूठन, आलोचना दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कहानी संग्रह खुशपैठी। 17 नवंबर 2013 को देहरादून में आपका निधन हो गया। कविता सार, इस कविता में कवि भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था पर गहरा व्यंग्य करता है और कहता है कि यहाँ हर चीज ऊंची जातियों की है, सिर्फ मेहनत नीची कही जाने वाली जातियों के लोग करते हैं। वह पूछता है हमारा क्या है, गांव शहर या देश, क्या उसे लगता है कि इनमें से भी कुछ उनका नहीं।
ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। फूक रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल्की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। ज्ञानेंद्र पदी। आज के महत्वपूर्ण हिंदी कवियों की पंक्ति में ज्ञानेंद्र पदी का अग्रिम स्थान है। ज्ञानेंद्र पदी का जन्म फरवरी 1950 पथरगामा झारखंड में हुआ। ज्ञानेंद्र पदी की कविता विशेष अर्थ में सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श की कविता है। उनकी कविता हमारे समय की क्रूरता, हिंसा, शोषण, अंत उपभोक्तवाद, विश्व बाजार, विज्ञापन, पर्यावरण, सांप्रदायिकता, कला, संस्कृति आदि अनेक संदर्भों को व्यक्त करने के प्रयास में एक निजी मुहावरा विकसित करती है। उनकी कविताओं में एक जनपदीय आभा है, स्थानीयता का गौरव है, आंचलिकता की उजास है तदा जीवन और जगत को मधने भेदने वाले समकालीन मुद्दों की अनिवार्य अनुगूंज है। ज्ञानेंद्र पदी साठोत्तरी हिंदी कविता के सबसे ताज़ा कवि हैं। कवि आधुनिक और उत्तर आधुनिक समय के दृष्टा है। उन्होंने अपने अधुनातन कविताओं में मनुष्य को आधुनिक और उत्तर आधुनिक समय की परिधि में रखकर देखा है। उत्तर आधुनिक समय में पनपी मुक्त बाजार व्यवस्था तथा उदार आर्थिक नीति ने आदमी की जीवन पद्धति ही बदल दी है। ज्ञानेंद्र पदी ने अपनी कविताओं में हमारे समय की इन सांवली सच्चाइयों का वर्णन किया है। उनकी कविता की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने वस्तुनिष्ठता के साथ अपने समय के अनुभवों को कविता में स्थान दिया है। प्रकाशित रचनाएं, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है, आंख हाथ बनते हुए, गंगा तट 2000, संशय आत्मा 2004, भिन्नसार 2006, कवि ने कहा कविता संचयन, कथेतर गद्य पढ़ते गिड़ते, नाटक एक चक्रा नगरी, पुरस्कार एवं सम्मान, संशयात्मा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, शमशेर सम्मान। कविता सार। इस कविता में कवि ने गंगा के पास रेत के फैले साम्राज्य को केंद्र में रखकर कल्पना की है। दोनों किनारों के बीच तक रेत फैल चुकी है, जिस पर जल जीवों के गुजर जाने का मनहूस सन्नाटा भर ही है। अब गंगा की धारा भी मरियल सी हो गई है, क्योंकि जैसे पनबिजली परियोजना ने सारे जल को उलीच लिया हो। कवि का कहना है कि गंगा तो बई से सिकुटी जा रही है, उसकी आंखों में पानी है, परंतु त्रासदी के रसिया बिल्डर्स और बिल्डिंग मटेरियल विक्रेता गंगा के हृदय क्षेत्र तक रेत भर आने से प्रसन्न दिख रहे हैं। रेत पर शिल्प उकेरने वाले कलाकार सहित इस दृश्य को खबरों में समेटने के लिए चैनल और अखबारों के सांस्कृतिक संवाददाता एवं रेत की आकृतियों को निरख कविता लेखन के लिए कवि भी घुस है। अर्थात गंगा के दुख का गयाल न करते हुए कला के पार की खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि इधर ही यह रेत का द्वीप निकल आया है, रेत के द्वीप पसर आए हैं, रेत के द्वीप पसर आए हैं गंगा के बीच तक, कि जिनके रेत पर जल जीवों के गुजरने के चिन्ह नहीं, उनके गुजर जाने का मनहूस सन्नाटा बिछा है। अब नहीं मिलते रेत में शंखों, सिपियों, घोंखों के काय कवच, वे जैविक कलाकृतियां अद्भुत अभिराम। रेत पसार पर जहां जहां आवारा फूलों के, अलमस्त भवरों के दिन बीत गए, पीली तितलियों के, मछलियों के पीछे पीछे अपनी प्रसिद्ध सुस्त चाल से कितना तेज चलते गुजर गए कछुए, शारदीय गंग आकाश में आंकने वाली गंगे डॉल्फिनों की भव्य उछाले कब की अस्त हुई। गंगा की धारा दुबली मरियल प्रदूषण विकल गोयापन बिजली के रूप में उसका सत निकाल लिया है बारहा बांधकर।
गंगा के उर तक रेत भर आई है, रेत ही रेत, और खुश है बिल्डर्स और बिल्डिंग मटेरियल के विक्रेता, और खुश है अपने स्वभाव का सारा रजस समेट कर रेत पर शिल्प उकेरने वाले कलाकार और उन्हें निहारने सराहने वाले शहर के सहृदय और चैनलों और अखबारों के सांस्कृतिक संवाददाता, और रेत पर आकृति श्रृंखला की कविताएं लिखने वाले कवि और उन कविताओं के गुण गाने वाले आलोचक। ये जो रेत को उपजीवी कर खिलने वाली कला के कर्मी मर्मी उनका मुख्यालय है वह कला कर्म प्रोत्साहन न्यास भवन, जो गंगा के ऐन किनारे उठा है भव्य प्रायः विदेशी पूंजी से। भूमंडलीकरण की सुशोभन सौगात आबादी वर्जित गंगा बरार में सुखासीन गंग शिकस्त पर गड़ाता आंख की गंगा वैसे भी सिकुड़ी जाती है, उर तक रेत और आंखों में भरा हुआ पानी गंगा की यह छवि बाती है। त्रासदी के रस्सियों को अभी तो गुश है कलाधर कि इधर ही निकल आया है रेत का एक बीप, उधर की रेत तो होती भस्म सरीखी महीन, इधर बालू होता है दानेदार दमगर कि जिससे गड्ढे जा सकते हैं। रेत शिल्पों के अंग सजीव सरीखे की जो भी देखे देखता रह जाए ठगा सा बेशक। अरुण कमल। हिंदी की प्रगतिशील यथार्थवादी काव्य धारा को आगे विकसित करने वाले कवियों में अरुण कमल का विशिष्ट स्थान है। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी में बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। वे पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उनके प्रकाशित काव्य संग्रहों में अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार और वह शंख महाशंख शामिल है। उनकी कविता संपूर्ण मानव स्थिति की कविता है। अरुण कमल व्यापक मानव सरोकारों के कवि हैं। वे सच्चे अर्थों में जीवन धर्मी कवि हैं। उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है ठेठ स्थानीयता का बोध। यह ठेठ स्थानीयता न केवल उनकी काव्य भाषा को समृद्ध करती है बल्कि उनकी काव्य संवेदना आम आदमी को वाणी देती है। मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय स्थिति की बारी पकड़ उनकी कविताओं की उल्लेखनीय विशेषता है। जीवन की अभावग्रस्तता, बेबसी और शोषण प्रक्रिया को लेकर कवि बहुत बेचैन है। हमारी नपुंसकता और संवेदनहीनता पर कवि कई जगह प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अरुण कमल की कविता में अनुभव और विचार का सामंजस्य हुआ है। उनकी कविताएं अपनी प्रखर वैचारिकता और सीधी अभिव्यक्ति के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुई है। इनमें मानव जीवन और समाज की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण हुआ है। उनकी कविताओं में अपने समाज को लगातार खोजने और व्याख्यायित करने की कोशिश हुई है। उनकी सामाजिक यथार्थ की कविताओं में व्यंग्य और क्रूर यथार्थ का ऐसा मिला जुला संसार है कि कविता अपने अभिव्यक्ति में काफ़ी शक्तिशाली हो जाती है। वे प्रगतिशील धारा के कवि हैं। उनकी कविता में कर्म का सौंदर्य है। भाषा शैली में वे त्रिलोचन की परंपरा के हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार 1980, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1989, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1990, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1996, शमशेर सम्मान 1997, नए इलाके में काव्य संग्रह के लिए 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। कविता सार। इस कविता में कवि ने महाभारत की एक कथा को उलट दिया है जिसमें अर्जुन को मछली की सिर्फ पुतली दिखाई देती है। अब अर्जुन की जगह नए युग का एक यथार्थवादी व्यक्ति है जिसे सिर्फ मछली की आंख नहीं बल्कि अपने आसपास की समूची दुनिया दिख रही है। वह बहुरंगी यथार्थ के हर पक्ष को देखता है और उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। इस कविता में कवि ने नए मनुष्य की साधारणता को रेखांकित किया है। पुतली में संसार। और मैं देखता हूँ तो मुझे केवल पुतली नहीं पूरी आंख दिख रही है गुरुदेव, और मछली और वह खंभा और आकाश और आप और ये सब जन धनुर्धर, इतनी भीड़ इतनी ध्वनियाँ, और मैं तो केवल नीचे ताक रहा हूँ तेल के कुंड में,
फिर भी पूरा आकाश घूमता लग रहा है और मुझे मछली की पुतली में घूमती एक और छवि दिख रही है। देव, किसकी छवि है यह? मछली किसे देख रही है और कोई मुझे उसके भीतर से देख रहा है? मेरी पुतली पर इतनी छायाएं, इतनी बरौनियों, इतनी पलकों की अलग अलग छाया। मुझे मछली की नदी की गंध लग रही है देव। मेरी देह में इतनी गुदगुदी, इतने घट्टों, इतने ढेलों भरी देह में यह कैसा कंपन। मैं सारे मंत्र भूल रहा हूँ, सारी सिद्धि निष्काम हो रही है, ढीली पड़ रही है उंगलियाँ, पसीने से मुट्ठी का कसाव कम, मेरे पाँव हिल रहे हैं, कंठ सूख रहा है। मुझे तो देखना था बस अंग का घोला, और मैं इतना अधिक सब कुछ क्यों देख रहा हूँ देव? कात्यायनी। कात्यायनी का जन्म 9 मई 1959 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कात्यायनी विचारधारा से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है। स्त्री विमर्श को सशक्त आवाज देती है। इनकी प्रकाशित रचनाएं, काव्य संग्रह 7 बाइयों के बीच, चंपा, फुटपाथ पर कुर्सी, इस पौरुषपूर्ण समय में, चेहरों पर आंच, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, लेगों का संकलन, दुर्ग द्वार पर दस्तक, इन देयर ऑनवेज, षट्यंत्र मृदात्माओं के बीच, कुछ जीवन कुछ ज्वलंत, संपादन पाश के काव्य संकलन लट्टू है कि तब भी गाता है का संपादन। कविता सार। इस कविता में कात्यायनी ने दरवाजों में लगने वाली सिटकनी का वर्णन किया है। वह कहती है कि तालों और कुंडों का रूप काफ़ी बदला है, लेकिन सिटकनियों का रूप वही है। वे सुंदर लगती है, लेकिन उनमें एक गराबी यह है कि वे सिर्फ अंदर की तरफ लगती है, जिससे आदमी अपने आप को घर में बंद कर लेता है। वे बाहर की दुनिया से हमें काट देती है। वे कहती है कि हमें इस प्रवृत्ति से मुक्ति के लिए, दुनिया से कटने की अपनी इच्छा से मुक्ति के लिए अपने आप से एक लड़ाई लड़नी होगी। सिटकिनी। खासी परेशानी होती है इस छोटी सी दुष्ट चीज़ के बारे में सोचते हुए, जो हमेशा बाध्य करती है मुझे अपने बारे में सोचने के लिए। वैसे ही एक बेहद पुरानी चीज़ जो बहुत कम बदली, हर स्थिति के मुताबिक खुद को ढाल लिया, बहुत थोड़ी सी कुछ तब्दीलियों के साथ जीवित रही, अपनी पुरातन मौलिकता और अति प्राचीन इतिहास के साथ जैसे कि तिलचट्टा। कुंडों और तालों ने बहुत अधिक बदला है अपने आप को। सिरकनियाम कामोबेश वैसे ही रही जैसे वे थी, बस कुछ सुंदर सुखड़ हो गई, कुछ और नाजुक, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी, पर इसलिए नहीं बल्कि इसलिए बुरी होती है सिटकनियाम की वे हमेशा दरवाज़ों खिड़कियों पर भीतर से लगाई जाती है। ताले कुंडे बाहर भीतर दोनों तरफ लगाए जा सकते हैं। सिटकनियाम दरवाज़ों को सिर्फ भीतर से बंद करती है। इनकी मदद से हम खुद को कैद करते हैं बंद दरवाज़ों के पीछे। सिटकनियाम हमारी गिड़कियों से रंगों गंदों का प्रवेश वर्जित करती है। यह छोटी सी दुष्ट चीज़ हमें अकेला करती है, छोड़ देती है हमें जीने के लिए हमारी तुच्छता और कायरता के साथ तन्हा। सबसे अधिक परेशानी पैदा करने वाली बात शायद यह है कि सिटकनियों के खिलाफ लड़ाई खुद अपने ही खिलाफ एक कठिन लड़ाई है।